Hello students, I am Dr. Neelam Pandey from Indraprastha College. In previous video, we have discussed about revolution in India. Connecting with similar topic in the present video, we will study about revolution in abroad. So let us start with India House. The India House was an informal Indian nationalist organization that existed in London between 1905 to 1910. It was started by Shyamji Krishna Varma. Students, ये इंडिया हाउस है क्या? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित एक इनफॉर्मल इंडियन नेशनलिस्ट है, जिसको लंदन में इन्होंने स्थापित किया था और ये 1905 से लेकर के 1910 के बीच में एग्जिस्ट करता है. स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक तरह से इसको स्टूडेंट रेजिडेंस बना रखा है. और मेन इनका जो एम है, इन स्टूडेंट्स के बीच में राष्ट्रवादी भावना जगाना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगाना श्यामजी कृष्ण वर्मा का मेन उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी लंदन पढ़ने आते हैं उनमें राष्ट्रवादी भावना भरी जाए. और वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देते हैं. श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास क्रांतिकारी नवयुवकों का अपना एक पूरा ग्रुप है और उस ग्रुप में मेन जो स्टूडेंट्स हैं वो है लाला हरदयाल जी, वीटी सावरकर जी, मदन लाल धिंगरा जी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ध्यान देंगे मदन लाल धिंगरा के बारे में जानना चाहेंगे. तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्रांति की रूपी जो चिंगारी है उसको अग्नि के रूप में प्रज्वलित करने का श्रेय मदन लाल धिंगरा को जाता है. यानी क्रांति जो छोटी सी लौ के रूप में थी उसको आग के रूप में, अग्नि के रूप में बदल दिया मदन लाल धिंगरा ने. लंदन आने पर मदन लाल धिंगरा का मदन लाल धिंगरा लाला हरदयाल, वीटी सावरकर जी वगैरह के संपर्क में आते हैं और ये भी यहाँ इंडिया हाउस में ही रहते हैं मदन लाल धिंगरा जी भी. तो ये वो दौर है जब खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है, प्रफुल्ल चाकी जो है वो पकड़े जाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं. तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे जैसे कन्हाई लाल दत्त है, सतिंदर पाल थे, इन सब लोगों को जो मृत्यु दंड दिया गया था तो ये लोग बहुत उससे क्रोधित थे और इसका वो बदला लेना चाहते थे. तो करजन वायली एग्जाम क्या होता है, फर्स्ट जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के एनुअल फंक्शन में भाग लेने के लिए बहुत सारे अंग्रेज और भारतीय इकट्ठा होते हैं. तो जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हट करजन वायली अपनी पत्नी के साथ आता है, मदन लाल धिंगरा उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं. करजन वायली वही मारा जाता है और धिंगरा गिरफ्तार हो जाते हैं और लंदन में ही इनको फांसी दे दी जाती है, लंदन की पेंटविले जेल में 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी जाती है. और इस घटना के बाद क्या होता है कि इस ब्रिटेन सरकार इंडिया हाउस की गतिविधियों पर रोक लगा देती है. श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामत सहित कई कार्यकर्ता और संरक्षक यूरोप चले गए, जहां से उन्होंने राष्ट्रवाद को समर्थन दिया और हरदयाल सहित कुछ भारतीय छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए. स्टूडेंट, दूसरा हमारा जो मूवमेंट है वो है द गदर मूवमेंट. गदर मूवमेंट में हम सबसे पहले जानेंगे कि गदर पार्टी के बारे में. तो गदर पार्टी वॉज मेनली अ सिख ऑर्गेनाइजेशन formed by Lala Hardayal in 1913 on May 10 at San Francisco. Sohan Singh Bhakna was the first president of Gadar Party. Students, ये जो गदर पार्टी है mainly यह सिखों की organization है, ठीक है, जिसे 10 मई 1913 को San Francisco में, अमेरिका के San Francisco में लाला हरदयाल ने स्थापित किया था. सोहन सिंह भाखना इसके पहले प्रेसिडेंट थे. स्टूडेंट्स, गदर पार्टी के जो कुछ और भी नेता थे
जिनमें मुख्य हैं सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, भिकाजी कामा, ये सब और भी बहुत सारे राष्ट्रवादी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल एस्टैब्लिश्ड द युगांतर प्रेस एंड स्टार्टेड द गदर वीकली। लाला हरदयाल जी ने युगांतर प्रेस स्थापित करी थी जिसके साथ एक वीकली मैगजीन निकलती थी जिसका नाम था गदर। और इस मैगजीन को निकालने के पीछे मेन जो एम था इस पार्टी का वो ये था कि जो विद्यार्थी अमेरिका में आते हैं, भारतीय स्टूडेंट्स जो अमेरिका में आ रहे हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाना, और खास करके वो सैनिक जो ब्रिटिश सेना में हैं, वो सिख सैनिक जो ब्रिटिश सेना में हैं, उनके अंदर विद्रोह की भावना जगाना। दिस मूवमेंट वॉज इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ द कामागाटा मारू इंसिडेंट। और इस ये गदर पार्टी चर्चा में आती है कब, तो जब कामागाटू मारू इंसिडेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये अब हम जानेंगे कि ये कामागाटू मारू इंसिडेंट है क्या। तो कामागाटा मारू ये एक सीप का नाम है। ये सीप 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली कलकत्ता पहुंचती है। भारत सरकार ने 29 अगस्त को विदेशियों के लिए एक अध्यादेश पारित किया जिसके अंतर्गत किसी का भी भारत आगमन अवैध माना जा सकता था। इन भारतीयों को भी, यानी कि जो 351 भारतीय यात्री हैं, उनको भी, उनका भी भारत में आना अवैध मान लिया गया। यानी कि जो सिख यात्री हैं, ये भी अपने देश नहीं आ सकते थे इनके अकॉर्डिंग, जो अध्यादेश इन्होंने पारित किया तो ये भी नहीं आ सकते थे। वो क्यों? तो वो इसलिए था कि कनाडा और अमेरिका से जो सिख भारत में आते थे उनसे अंग्रेजी हुकूमत डरती थी कि ये भारत में आकर के क्रांति करेंगे, गदर मचा देंगे ये, तो इस वजह से इन्होंने ऐसा अध्यादेश जारी किया था ताकि ये सिख भारत में आ न सके। तो जैसे ही ये जहाज सिप है बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचती है तो वहां इनकी तलाशी ली जाती है। तो ये जो यात्री है ये विद्रोह कर देते हैं। नतीजा निकलता है कि संघर्ष होता है जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं और 25 यात्री घायल हो जाते हैं और बाकियों को पंजाब भेज दिया जाता है। तो जैसे ही इसकी खबर पूरे देश में फैलती है तो ये राष्ट्रवादियों ने इनसे बदला लेने की ठानी और एक योजना बनाई कि हम 21 फरवरी 1915 को पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में एक साथ विद्रोह कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो आंदोलन है, मूवमेंट है, वो सफल नहीं हो पाता है क्योंकि एक गद्दार अंग्रेजों से जा मिलता है जिसकी वो सूचना दे देता है। तो अंग्रेज सिपाही करते क्या है, तो वो जगह जगह छापा मारते हैं, छापा मार करके क्रांतिकारियों को पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं और उनकी इस तरीके से उनका आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। रही बात गदर पार्टी की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट होता है और अमेरिका ब्रिटेन के गुट में चला जाता है तो अमेरिकी सरकार गदर पार्टी को अवैध घोषित कर देती है। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है स्टूडेंट्स अफगानिस्तान मूवमेंट। अफगानिस्तान मूवमेंट 1950। स्टूडेंट्स राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान के काबुल में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने के लिए एक अस्थायी सरकार गठित कर ली थी जिसके तहत ये जर्मनी, टर्की, ईरान, इन सब देशों की मदद लेकर के भारत में क्रांति छेड़ना चाहते थे। स्टूडेंट्स मैडम भीकाजी कामा का नाम लिए बगैर रिवॉल्यूशन इन अब्रॉड पूरा नहीं हो सकता है बिकॉज मैडम भीकाजी कामा वॉज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी कौन है, मैडम भीकाजी कामा। स्टूडेंट्स मैडम भीकाजी कामा ने 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में झंडा फहराया था
क्रांतिकारी हैं जो देश के बाहर रहकर के जिन्होंने क्रांति की ज्वाला फहराई। स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर था, रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, इसमें हमने बहुत सारे क्रांतिकारियों को पढ़ा। कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी हैं जो हम इस टॉपिक में हम उनको मेंशन नहीं कर पाए, और कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्ने में भी नहीं है। तो ऐसे क्रांतिकारियों के योगदान से हमारा देश आजाद हुआ है, जिसमें आप और हम आजादी की सांस ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो अंत में हमें कंक्लूजन निकालना होता है कि ये कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या योगदान रहा इन क्रांतिकारियों का देश की आजादी में। तो अगर इस टॉपिक को हम पढ़े और इसका कंक्लूजन निकालने को हम सोचे, तो हम उन क्रांतिकारियों के बारे में कैसे कंक्लूजन निकालें जो अपने जीवन तक की चिंता नहीं करते हैं, अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत की आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी, वैसे विद्यार्थी जो पढ़ने के मकसद बदलना ढींगरा इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वो गए थे लंदन में, और उन्होंने कर्जन वैली की हत्या कर दी, राष्ट्रवाद की भावना जगाई, क्रांति की भावना जगाई। तो जो क्रांतिकारी अपने जीवन की परवाह किए बगैर देश की आजादी में अपना योगदान देते हैं, तो उनके योगदानों का मूल्यांकन करके हम उनके महत्व को कम नहीं कर सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि भारत की आजादी में इन क्रांतिकारियों का अमूल्य योगदान है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग गांधी जी के आंदोलन को लेकर के आएंगे।